दो महीने न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे। टेम के ऊपर जो टेम आया वो 20 मार्च था मेरे ख्याल में, 20 मार्च तो पहला ही मिला ना भाई, हमारी मांग मान ली, चलो उल्टे वो काम ना होने दियो। तारा बेटा तारा बीच में दोबारा यह बताना आया है कि इनका पुठे कौन मुड़ते हैं, क्योंकि दोबारा जान की गुंजाइश को नहीं। ये हमारे जो 60-60 साल के बूढ़े बैठे हैं, ये उस टाइम पर जवान हुआ करते जब कंडेला का आंदोलन आया। हाँ तो इन तारा भी जान के डाय है और हमारे वर्ग के पीछे के लिए लड़ लड़के। दोबारा ये जो चिन्नू मनवाली पीटी है नी, ये जो से फोन पे बाड़ा चल रहा कंप्यूटर पे, इनका बस की वाया कोनी दिल्ली है नी, यह तारा बस की बात थी। एक बार हमने कंडेला में हेरी, उससे पहले बजनलाल और बंसीलाल गला लड़े, तो बुजुर्गो इपकड़े जो किसान के रूप में हमने हमारे किसी नेता ने कमजोरी दिखा दी, दोबारा मौका को नहीं, धरती जालेगी फिर। ये जो से रोज आपके बीच में बात चल रहा है ना भाई, मोदी और ये अडानी अंबानी कब्जा करेंगे, इनकी तैयारी तो कई साल से चल रही थी। खाली न्यू को नहीं, नरेंद्र मोदी इनका आदमी है, इससे पहले बैठा था वो भी एक आदमी था, कदम से भाई का बहम हो कदे को भाई न्यू कर लाओ। पहले तो बिना भगत सिंह बैठे थे, पहले जो बैठे थे हरियाणा में उड़ा राज था, अड़ा में बैठे थे इस पे खेड़ी मसाणिया खड़गपुरा, रात ने ट्रक भी चढ़वाया गया था बैठे पे, लठ कितने मारे, मुकदमे कितने लाए, उनकी गिनती को नहीं। हमारे कई भाइया ना कई भाई व्यू लाना देते हैं, बोला भाई मुकदमा लुवा दिया हमारे काम के बुढ़िया पे, भाई किसी पे एक लागे हो किसी पे दो लागे होंगे, मेरे पास 7 लागे थे, एक इस लीले पर है भाई खड़ा इस पर लागे थे 6-7, या हमारे पास जो मेन थे उन पर लागे थे। तो उड्डा राज में भी कोई काची कौन छोटी थी अडानी अंबानी की गुलामीकरण में, उड्डा राज में भी रिलायंस के कई के चार किले ले रहे थे। तो बुजुर्गो हमारे खातर तो सारे एक बराबर है, न्यू ना सोचियो इनका राज टपा दिया तो आगे को राम आने वाला है, आगे भी से डाकू आऊंगे। आपने तो यहाँ लड़ाई आ रहे तो पूरी करनी है, चाहे दिल्ली के दरबार में दिल्ली का राज पे हिटलर बैठा हो और चाहे रावण बैठा हो, मारे में जो हिम्मत होगी तो इसका ले लेंगे और ना दोबारा फिर बांट ना देखियो। तो मेरे तमाम सम्मानित बुजुर्गो साथियों, पहला तो इस बात ने समझ लो कि लड़ाई पूरी लड़ांगे, दीन काले कानून था उल्टे को नहीं आगे। भाई नरेंद्र मोदी ने बता दिया, मैं तो आज आया हूँ सड़क पे, हरियाणा सीआईटी के भाई ने बता दिया, कदे किसी का शक हो अगर तीन काले कानून पैड दो उल्टे ना भाई मसा कट्ठे हुए हाँ, और लागत है 1.5 गुना भागी रिपोर्ट, जिसका वादा नरेंद्र मोदी ने किया था वह 1 तारीख तक लागू कराएंगे, जिस दिन मोदी का हाथ में कलम आई थी। अगर वह 1 तारीख तक लागू होगी जिस दिन मोदी का हाथ में कलम आई थी, तो आज 6 साल हो गए हैं मोदी ना आए, हर फसल गले हमारे 20,000 रुपये किलो के खाए बैठे हैं, 20,000 रुपये किलो के जोड़ ले भाई, 12 फसल के कितने बैठ गए, तू 2.5 लाख रुपये बैठ गए हमारे, 2.5 लाख रुपये का हमारा बैंक कर्जा का भुगतान करेगा मोदी, और आगे का 1.5 गुना बढ़ेगा और 3 काले कानून उल्टे लेगा, जब पुठे मुड़ेंगे ना कोई मुड़ दे पुठे भाई। सो इस बात खातर तैयार था अकाल वे खा के जी लाग रहा है, टाइम पास उतरा हो रहा है, यह बात बता दू था। देखो रोज कौन लेड़ा जाता मन ना, ये कई बार घने बहु लाने दे देंगे, फोन ना बतो भाई तू बिला छतरी पा क्या फिरा करता, जान के बड़का मुकदमे लुआए खूब लठ बजाए, टेम पर जमींदारा कट्ठा रही तू आंदा है को नहीं, मैं भाई टेम पाऊंगा मैं, और टेम पैसा ना कर दियो कदम को जो नाम तो लड़ लिए बतेरे, हाँ बुजुर्गो बतेरे तो नहीं लड़ लिया, संग्रहरी होगी। दूसरी बात बुजुर्गो हांगलिया की बात है, तो मैं बताऊं बात, क्योंकि ये जो हमारा भाईचारा बैठे है नी स्टेज तो पर लपास है, इसने तो कदे धोखा दिया है कोनी, इसने तो कदे कमजोरी दिखाई कोनी है, कोई कादी वाले लाठी घनी चाल गई होंगी ना, तो जो उड़ान बैठे है ना स्टेजा पे गदारी तो उन्होंने करी, धोखा तो उन्होंने दिया, कमजोरी तो उन्होंने दिखाई, लेकिन इनका जो कठ इतना हो रहा है जे को ढगन की पकड़ की सोचे भी गानी उसकी भी पिंडी काम है, जो 40-42 जने जावा है ना, 5-4 ने तो मैं जानू जो जमाने कम में है, लेकिन जनता का डर लगा कि ये मार देंगे, इतना डर बैठ रहा है अपना कमजोर बात कर ही नहीं सकते। तो बुजुर्गो सम्मानित साथियों, बाकी ये नाई वाले बाढ़ है ये 25-26 नशे में आ जाएंगे, जो सानू का होगा कि ना भाई कौन पड़ते दिल्ली में आप पे बेरा पड़ जाएगा, और जो सानू का चल वे छाती में टक्कर मारेंगे मोदी के उसका भी बेरा पड़ जाएगा, कितने काले बाढ़ है। तो सम्मानित बुजुर्गो नौजवान साथियों, पहली बात के लड़ाई पूरी लड़ांगे, और दूसरी बात 26-27 को नहीं होने आश्वासन पे, बतेरे आश्वासन दे लिए तो भी नहीं होगे बैठे ने। तो मेरे तमाम सम्मानित साथियों ने मेरी बात बड़े विस्तार से सुनी, संक्षेप में आपने इतना बताना चाहूंगा कि बुजुर्गो यह लड़ाई बहुत लंबे अरसे बाद लड़ी गई है, और इस लड़ाई ना देनी छोड़ेंगे। और रही है खट्टर की बात, घने भाई तो मेरे कई पंजाबी भाई है ब्राह्मण भाई है, वो इन कह रहे हैं बिला तमे जाट तो बिला और किसी ने देख के राजी को नहीं, मैं वह कदे मारे बूढ़े हैं के बीच में इस बात का जिक्र करूंगा, मारे हम जो किसान हाँ हमारे बीच में तो जातिवाद से है, हमारे बीच में किसी का प्रति जहर नहीं है, सीआईडी का को भाई सुना तो खट्टर ताऊ लग पुचा दियो, हमने तो चौटाला गल भी लड़ाई लड़ी और चौटाला पार टपाया हमने जमुना का, हमने तो बंसीलाल ने जब किसान पर गोली लाठी चलाई, बदनलाल ने जब चलाई उनको भी जमुना पार टपाने का काम करा, और जब उठे ने हमारे पर लाठी चलाई तो उसके खिलाफ भी हमने मोर्चा लेके उसकी भी सत्ता से बाहर करने का काम करा। मारी मनोहर लाल खट्टर गले इस बात की दुश्मनी कोनी को किसी और जाति से ताल्लुक रखे,
मारी मनोहर लाल खट्टर गले नरेंद्र मोदी गले इस बात का विरोध है कि जो इनने वादा करा था कि लागत का 1.5 गुना बाद इनकी की रिपोर्ट लागू कराएंगे पहली कलम तक, आज तक वो वादा इनने लागू नहीं करा है। जो धन खड़ा मंडी में हंडा करता मारे ताऊ सतबीर पहलवान जी उस धरने के अध्यक्षता कर रहे थे, जो माड़ा उचाना मंडी में बैठे थे, हमने लिख के दे के गया था अकबर नरेंद्र मोदी का राज आंदे पहली कलम तक लागू करवाऊंगा रिपोर्ट ने और जमींदारों तारे काचे कटा दूंगा। मैंने बोला जी माँ बहुत गणे नेता हंड है बदल जाओगे, मैं लिख के दे दो लिख के और दोनों को ठेला गया उस बात पर। बोला देख वह मोदी ने मैं न्यू कर दू आज वो धनखड़ है, आज वो धनखड़ है लुका बैठा है, घर पर बाढ़ लगने की हिम्मत को नहीं। तो बुजुर्गो सम्मानित साथियों इन घर भी कौन छोड़ांगे, इन तो ऐसा काम कर देंगे कि इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी और आगे जो से होंगे उनके इतना चाटा चढ़ा जाएंगे किसान ना के धोखा नहीं देंगे। तो मेरे तमाम बुजुर्गों ने नौजवान साथियों ने मेरी बात बड़े विस्तार से सुनी, आपसे इतना अनुरोध करूंगा इस धरने ने और ज्यादा मजबूत करो, हम भी और मेहनत करांगे, आज तो शुरू करी है 12-15 दिन में और कोशिश करांगे कि इस शीर्ष नेतृत्व ने जिम्मेदारी लाई है हरियाणा की कि वे 1 लाख ट्रैक्टर और 20 लाख आदमी दो, 1 लाख ट्रैक्टर और 20 लाख आदमी गणित तो ताऊ मैं कंधा नहीं लेकिन 10वें हिस्से के मैं धक्के खाने की होती है कि वह 10,000 ट्रैक्टर खातर प्रचार करांगे और 1 लाख आदमियों के बीच में प्रचार करांगे। तो बुजुर्गो सम्मानित साथियों भाईचारे में रिश्तेदारी में सारा जोर ला दो, कोशिश करूंगा मैं भी 15 दिन है 150-200 गाँव में हैंड के और गाँव गले 20-20 ट्रैक्टर और 100-150 आदमी जिम्मे लावा। आप भी जितने गाँव के भाई बुजुर्ग बैठे हो दोबारा लड़न की जरूरत नहीं पड़ेगी जब पार तैर दोगे तो, और जे आड़ा पार नहीं उतर दी फिर लड़न जोगे रहो नहीं गे। तो मेरे तमाम साथियों ने एक बार पुनः धन्यवाद और इस आंदोलन ने जो हमारे भाई बुजुर्ग मेहनत कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग सतबीर पहलवान जी, हमारे भाई आजाद पहलवान जी, भरत सिंह सरपंच जी, हमारे विजेंद्र जी, मेरा भाई लीला आपके सामने इसने करूं खड़ा, इस भाई ने इस हल्के में जितना नुकसान उठाया उतना किसी और ने नहीं उठाया किसान का खतर। 6-7 मुकदमे अकेला उठ गया और 2.5-3 लाख रुपया की चोट उठ गया, 2.5-3 लाख रुपया की चोट आज तक 10 साल पहले बहुत बड़े हुए थे 2.5-3 लाख, इस भाई ने कदे उफ नहीं करी। तो आज इस भाई ने मैं चाहूं इस भाई ने भी थोड़ा सेवा का मौका दे और लीले भाई बाकिया गल ला के जिम्मेदारी था और हमारे हल्के के जितने भाई हैं उचाणा के सारे का मैं अनुरोध करूं इस लड़ाई को और मजबूत करो और हमारे नौजवान भाइयों की तरफ से भाई राम निवास और जोर लाओ भाई, आज नौजवान जो है उसने ज्यादा जिम्मेदारी ठान की जरूरत है और राम निवास भाई आप भी और तमाम साथी मेरी जड़ा आवश्यकता हो किसी गांव में और मना आदेश दियो भाई पहुंचूंगा, लेकिन ज्यादा जोर लागे भाई 25 तारीख ने कोशिश करो कि 10,000 ट्रैक्टर उचाणा की धरती पर इकट्ठे होकर चालें दिल्ली की ओर, ताकि धनखड़ ने भी अपना आड़े जो तमने बना रखे दुष्यंत दूती भी और जो हमारा पटना बैठा मोदी खट्टर उनने भी फेरा पड़ जे अकेला बांगर की धरती खड़ी होली है, कह तो राज बदलेगी और कहो काम पूरा करवाओगी। तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाईचारा।